काम बंद नहीं। आज स्वयं के साथी सभी कार्य शक्ति बैठी आंटी रामराम जी। सबसे पहले तो आज गांव में पहुंचकर जो आपने मान सम्मान का आशीर्वाद दिया, मैं दिल की भावनाओं से नतमस्तक होकर सभी बुजुर्गों के बीच में नौजवान साथियों के बीच में आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में सबसे पहले हमारे पुरोहित जी पंडित भीमसेन जी, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपके हाथ में आशीर्वाद दिया गांव की तरफ से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। हमारे बीच में पंडित राजकुमार शर्मा जी, पंडित सत्यदेव जी, पंडित विनोद शर्मा जी, हमारे पूर्व में विधायक रहे हमारे प्रभारी आदरणीय ज्ञान सिंह जी, हमारे भाई भूपी माथुर जी, हमारे विनोद कुटोरिया जी, पंडित भूषण जी, सतपाल जी, प्रवीण जी, छत्तीस बरादरी के सभी सम्मान जो है हमारी पूर्व पार्षद मोहित कांतोज जी, और आज जिन्होंने खास तौर पे आरएसएस को छोड़ के कांग्रेस पार्टी का दामन थामा हमारे अंदर दिए, पंडित सत्यदेव शर्मा जी, हमारे पूर्व में एमसी रहे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा, भाई मोहित कंबोज जी और सतीश कंबोज जी, हमारे भाई सोमी शर्मा जी, हमारे सोमी शर्मा जी, हमारे सत्यनारायण पुर सरपंच जी, हमारे राहुल शर्मा जी, संतोष शर्मा जी, रामदास शर्मा जी, पंकज गाबा जी, समस्त हमारे हमारा भाई शोकी भाई सत्य सतपाल जी, रिंकुराना जी, रिंकुराना जी, रिंकुराना जी, जिन्होंने समस्त छत्तीस बरादरी के समस्त बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भारतीय शक्ति भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बड़े शोक इंटरवल पर आज का प्रोग्राम आयोजित किया गया, क्योंकि कुछ शराब गर्व जो है बोला गया, उसके बावजूद भी बड़ा सफल कार्यक्रम आपने आयोजित किया भाई, आपकी हाजिरी ने यहाँ ऐलान कर दिया कि यहाँ से तो बीजेपी का और भाई पूरे करनाल के अंदर कोई हरियाणा के अंदर अब तो लहर चल रही है, अब तो लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस भाई दो दिन का समय रह गया, 23 तारीख के बाद हमें 23 तारीख को पांच सौ हजार पर चला बंद हो जाएगा, लेकिन 23 तारीख तक बड़ा मजबूती से मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आपके बेटे के तौर पर और कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर, कि आप अपने रिश्तेदारियों में, अपने यारों प्यारों में, सगे संबंधियों में, जो गांव का माहौल तो आपने संभाल लिया, लेकिन अब जरूरत है वो आने के अंदर जाएगी, तो कल से ही आप सभी बुजुर्गों से मेरा अनुरोध है वो सुबह मोटरसाइकिल उठाकर बैठे उठाकर वो आने में पहुंचे, और जहां जहां रिश्तेदारी है, सगे संबंधी है, उनको भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील करें, तो मैं आज आपके बीच में आपका बेटा बनके आपके चरणों में विनती करने आया हूं कि आने वाली 25 तारीख को एक एक वोट कांग्रेस पार्टी का निशान आपके निशान के सामने वाला बटन दबाकर आप उन्हें कांग्रेस को यहां से विजय बनाए, आपका ये बेटा आपको विश्वास दिलाता है कि आपके हकों की आवाज, आपका आशीर्वाद मिलेगा, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचूंगा तो आपके हकों की आवाज जब दिल्ली में उठाऊंगा तो उसकी आवाज आपको गांव में यहां सुनाई देगी, आपको एक बात का और विश्वास दिलाता हूं, 31 साल की उम्र है, मुझे नहीं पता मेरे शरीर में कितने सांस है, लेकिन मेरे शरीर में जितने सांस है आपकी सारी उम्र आपके चरणों में रहकर आपकी सेवा करेंगे। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कांग्रेस ने वादा किया है, माता शक्ति बैठी है, महंगाई से राहत दिलाने के लिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर आपको उपलब्ध कराया जाएगा, हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 6,000 रुपए बढ़ापा पेंशन दिया जाएगा,
कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पुराने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन जो है बाहर की जाएगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर परिवार में 300 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी। और कांग्रेस की सरकार बनेगी, नौजवान साथी खड़े हैं, 30 लाख केंद्र में और 2 लाख हरियाणा के अंदर रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो गरीब आदमी को 100-100 गज के प्लाट और उनके ऊपर 3.5 लाख रूपये की लागत से दो मकान, दो कमरे का मकान बनाने का काम भी कांग्रेस पार्टी करेगी। और हमारी माताएं हैं आपके लिए खासतौर पर महालक्ष्मी योजना पार्टी लेकर आई है। सरकार बनेगी तो घर में जो बुजुर्ग महिला है उसके खाते में 1 साल में 1 बार लाख रूपये सीधा आपके बैंक खातों में डलवाया जाएगा। और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आपका बेटा आपको विश्वास दिलाता है, जिस मान सम्मान से आपने आज मुझे यहाँ बुलाया है और मान सम्मान की जो पगड़ी आपने मुझे यहाँ पहनाई है, कभी जीवन में इस मान सम्मान की पगड़ी पे आज नहीं आने दी जाएगी। आपके ऊपर रखने का काम करूंगा, समय का अभाव है, आज की हाजिरी मानते हुए मुझे इजाजत दें क्योंकि आगे के कार्यक्रम है। संदीप गोस्वामी जी पूर्व आगे बैठे आगे मैं दोबारा से आप सब से हमारे आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा से अपील करता हूँ कि आने वाले 25 तारीख को एक बार कांग्रेस का निशान आपके निशान का सामना भरत को जताए और कल सुबह 10 बजे भावना का एक कार्यक्रम में भाई कुमार शिवा का, उसके लिए आप सबका भी अपील करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बड़े शोर टाइम के अंदर छोटे छोटे से बुलावे पे यहाँ पर कार्यक्रम किया, उसके लिए सारे गांव के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक मन में मेरे बात थी इसलिए मेरे लाइन मैंने मेयर का चुनाव लड़ा था। जहाँ के बहुत सारे वार्ड थे जिसके अंदर हम चुनाव हारे भी और जीते भी थे, लेकिन गांव एक ऐसा था जहाँ से हम बहुत अच्छे माध्यम से जीत के गए थे। इसलिए उसके उस बात के लिए भी मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत आने वाली 25 तारीख को भाई दिव्यांशु राजा जी लोकसभा के प्रत्याशी हमारे कांग्रेस पार्टी के, एक एक वोट मैं घर में से भुगतवानी है और हाथ के निशान पे मोहर लगवाना है, बटन दबाना है। मनोज वाधवा